इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में आज लोग पहुंच सकते हैं, वो एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के भटवाड़ी में ये रोड शो किया जाएगा। सीएम धामी इस रोड शो में शामिल होंगे। प्रत्याशी महारानी राजलक्ष्मी के पक्ष में वो एक जनसभा भी करने वाले हैं और जनसभा की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की उत्तराखंड से, और हजारों की संख्या में आज इस जनसभा में लोग शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचेंगे और वहां पर भटवाड़ी में एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रत्याशी महारानी राजलक्ष्मी के पक्ष में आज वो एक जनसभा करते हुए नजर आएंगे। लगातार वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर अब जनसभा को लेकर भी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हजारों की संख्या में लोग भी आज वहां जनसभा में पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का ये उत्तरकाशी का दौरा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि वो भटवाड़ी में आज एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। प्रत्याशी महारानी राजलक्ष्मी के पक्ष में आज वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। लगातार वो महारानी राजलक्ष्मी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। बता दें कि जनसभा के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और साथ ही हजारों की संख्या में आज वहां लोग रोड शो में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रत्याशी महारानी राजलक्ष्मी के पक्ष में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये उत्तरकाशी दौरा है। बता दें कि उत्तरकाशी के भटवाड़ी में आज सीएम धामी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वो प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज के इस रोड शो में, इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत कंसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव आ गए हैं और लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सभी सीएम, और इसी क्रम में आज पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, तो उनके दौरे को लेकर विनीत क्या कुछ अहम तैयारियां आज की गई हैं? जी आकांक्षा, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद अब सियासत गर्म हो चुकी है और लगभग दौरे पर दौरे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दूसरा दौरा है और आज भटवाड़ी ब्लॉक में आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग 9:30 बजे करबन जो हेलीपैड यहां पर नटीर में है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से रोड शो करते हुए लगभग 11 बजे उनका जो रामलीला ग्राउंड है भटवाड़ी में स्थित, वहां पर आम जनता को जनसभा करेंगे। और साथ ही साथ महारानी राजलक्ष्मी, जो कि भाजपा से यहाँ पे टिकट की दावेदार है, उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। जी वही विनीत, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचने वाले हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अहम इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पहले ही आचार संहिता लगी हुई है, मगर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से प्रोटोकॉल रखा हुआ है, किसी अभद्र मामला ना हो उसके लिए पुलिस की तैनाती जैसा की बढ़ा दी गई है, मगर सुरक्षा को देखते हुए अभी किसी भी तरह की कोई व्यवस्थाओं को लेकर किसी आला अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि लगातार हजारों के प्रति जो सूत्रों द्वारा जो सूचना मिली है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ उमड़ सकती है, क्योंकि लोकसभा की जो दावेदारी लगातार यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉबी पवार की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो हर कोई यहां पर लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और किसी भी समय जो आगामी लोकसभा चुनाव है 19 तारीख को ये मतगणना वोटिंग शुरू होनी है, उसके बाद से ही यहां पे तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है। जी ठीक है विनीत कंसवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।